हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं दोस्तों? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे और अपने अपने कामों में मस्त और व्यस्त भी होंगे। तो मैं अनीता अपने चैनल गृहवाटिका में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों देखिए, ये एक खूबसूरत पत्तियों वाला प्लांट, ड्रेसिना इसे कहते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है, ये इंडोर प्लांट्स, और इसकी पत्तियाँ जो होती है बिल्कुल सॉफ्ट और कलरफुल होती है। देखिए इसमें कई सारे वैरायटी आते हैं इसकी। ये मेरे पास तीन वैरायटी है। देखिए यहाँ पर एक ये ड्रेसिना है जो इसकी पत्तियाँ डीप ब्राउन में है, और इसकी पत्तियों की शाइनिंग देखिए कितनी खूबसूरत है दोस्तों। और ये बहुत खूबसूरत कलर होता है और इसको लगाना बहुत ही आसान होता है। और देखिए एक ये वैरायटी है, अम्ब्रेला जैसे होती है ये वैरायटी, और इसकी पत्तियों में कई कलर होते हैं, ग्रीन, पिंक और थोड़े से व्हाइट कलर की पत्तियाँ आती है और बिल्कुल सॉफ्ट पत्तियाँ होती हैं। और एक ये प्लांट है दोस्तों, ये भी ड्रेसिना की ही वैरायटी है, इसकी पत्तियाँ बहुत खूबसूरत लगती है और इसमें भी बहुत ज़्यादा शाइनिंग होती है। तो दोस्तों इसकी केयर की बात करें तो ये बिल्कुल लो मेंटेनेंस तो नहीं कहेंगे, क्योंकि ये इंडोर प्लांट्स है और ये अगर सनलाइट में, हल्की सनलाइट में रखते हैं तो भी ये प्लांट चल जाता है, लेकिन ज़्यादा सनलाइट इसे बर्दाश्त नहीं होती है। तो इसे बिल्कुल हल्की सनलाइट चाहिए, जहाँ छन की धूप आती हो, यानी कहने का मतलब है जहाँ ब्राइट लाइट हो। अगर नीचे, अगर बालकनी में भी आप रखते हैं जहाँ धूप नहीं आती हो, ब्राइट लाइट आती हो, तो वहाँ ये प्लांट बहुत खिल के निकलता है और इसकी पत्तियों की चमक बनी रहती है। तो इसे ब्राइट लाइट चाहिए जहाँ छन के धूप आती हो, और ज़्यादा धूप देंगे तो दोस्तों इसकी पत्तियाँ जलने लगती है, जैसे ये इसकी टिप्स जो होती है पत्तियों की वो जलने लगती है। तो इसे धूप में रखना ज़रूरी नहीं है, ये हमेशा छांव में रखते हैं। आप इसे घर में भी रख सकते हैं जहाँ हल्की लाइट आती हो, धूप ना आती हो, लाइट आती हो, तो ये प्लांट बहुत खूबसूरत चलता है। और घर में या ऑफिस में कहीं भी रखने पर इसकी खूबसूरती बहुत ज़्यादा रहती है। तो दोस्तों इसे ब्राइट लाइट चाहिए। और इसकी मिट्टी की बात करें तो दोस्तों इसकी मिट्टी वेल ड्रेन और हल्की होनी चाहिए। देखिए कोई भी प्लांट्स, इंडोर प्लांट्स होता है, वो उसकी मिट्टी हल्की होनी चाहिए, और जो पानी डालने का सिस्टम है, जो उसका मिट्टी का जो पानी डालने का सिस्टम है, वो ड्रेनेज बहुत अच्छा होना चाहिए, ताकि जब भी हम पानी डालें तो वो पानी निकल जाए। तो इसका इंडोर प्लांट्स में ये ध्यान बहुत देना जरूरी दोस्तों है कि इसका ड्रेनेज होल जो होता है वो बहुत अच्छे से रखना चाहिए, ताकि हम जब भी हम पानी डालें तो वो आसानी से निकल जाए, क्योंकि इंडोर प्लांट्स ज़्यादा पानी नहीं मांगता है। अगर ज़्यादा पानी डालेंगे तो इसके रूट्स गल जाएंगे सबके, तो इसलिए पानी की कम जरूरत होती है इन सबको। जितने भी इंडोर प्लांट्स हैं उसको पानी की बहुत कम जरूरत होती है, तो इसलिए इसकी मिट्टी हल्की रहनी चाहिए। और इसको मिट्टी बनाने के लिए दोस्तों, इसकी मिट्टी में एक भाग सेंड, एक भाग कोकोपीट और एक भाग मैंने गार्डन सॉइल लिया था, और इसमें थोड़ी सी नीम खली मिला के इसकी मिट्टी बनाई थी। तो इस तरह इसकी मिट्टी बहुत हल्की बनती है। सेंड और कोकोपीट मैंने मिलाया था। अक्सर मैं कोकोपीट ही ज़्यादा डालती हूँ, लेकिन इसकी मिट्टी बनाने में मैं सेंड का यूज की हूँ। तो इसमें एक भाग कोकोपीट और एक भाग सेंड और एक भाग गार्डन सॉइल और थोड़ी सी नीम खली का मिक्स मैंने किया, मिक्सचर डाला है। तो इस तरह इसकी मिट्टी बनाई है। तो ये मिट्टी बहुत हल्की है। अभी देखिए मैंने इसमें कल पानी डाला था, तो ये मिट्टी अभी दो दिन बाद इसमें पानी डाला था। दो दिन पर पानी डालते हैं, क्योंकि अभी समर सीजन है, तो समर सीजन में जल्दी सूख जाती है, तो पानी को चेक करके डालना है दोस्तों। जब पानी इसकी एक लेयर मॉइस्चर ख़त्म हो जाए, मिट्टी सूख जाए, तब हम इसमें पानी डालेंगे। तो अभी इसमें तो मेरे पानी है, देखिए तीनों में मैंने कल पानी डाला था, तो अभी पानी बरकरार है। तो इसमें मैं फिर कल नहीं, परसों इसमें पानी डालूंगी। समर सीजन में भी इसमें पानी बहुत जल्दी जल्दी नहीं डालना है, क्योंकि इसकी पानी को ज़्यादा जरूरत नहीं रहती है। तो ये धूप में भी बहुत कम चलता है, पानी भी बहुत इसे कम चाहिए, और दोस्तों इसे सनलाइट में भी ज़्यादा जरूरत नहीं है। और इसकी खाद की बात करें, इसको भोजन की बात करें, खाद पानी की बात करें दोस्तों, तो इसको महीने में मैं एक बार कोई भी फर्टिलाइज़र ऐड कर देती हूँ, जैसे गोबर की खाद हो गई, और ऐसे तो लिक्विड भी बना के डालती रहती हूँ, लेकिन गोबर की खाद कभी महीने में एक मुट्ठी इसमें डाल देती हूँ, ज़्यादा नहीं, एक मुट्ठी। और थोड़ी सी इसमें बोन मिल में मिला के, पानी में मिला के ऐड कर देती हूँ महीने में, तो बोन मिल भी इसमें डाल देती हूँ कभी कभी, क्योंकि इंडोर प्लांट्स है तो इसे खाद भी बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए। और ये अभी समर सीजन है तो ग्रोइंग टाइम है इसका, और जब विंटर सीजन आता है तो ये डोरमेंसी में चला जाता है लोग, और बिल्कुल इसकी ग्रोथ रुक जाती है। और समर सीजन फरवरी मार्च आते आते इसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ होती है,
तो ये इस तरह ये प्लांट बहुत अच्छे से चलता है। और इसकी कटिंग की बात करें तो दोस्तों इसको लगाना बहुत ही आसान है। अगर आपको ये प्लांट मिल जाता है कहीं से, कटिंग भी अगर आपको मिल जाती है, नहीं तो नर्सरी से लाके लगा सकते हैं। अगर किसकी कटिंग आपके किसी फ्रेंड के पास मिल जाती है, कहीं से भी मिल जाती है, तो इसको लगाना बहुत ईजिली होता है। ये किसी मौसम में भी लग जाता है, बस विंटर सीजन बहुत ज़्यादा जब सर्दी रहती है तब नहीं लगता है। लेकिन वैसे भी अक्टूबर नवंबर और नवंबर दिसंबर जनवरी के बाद ये कभी भी इसको लगाइए तो ये बहुत आसानी से लग जाता है। तो देखिए मैंने अभी अप्रैल में ये कटिंग लगाई है। अप्रैल में भी बहुत ज़्यादा गर्मी थी तो देखिए ये कटिंग इसकी मैंने लगाई थी तो ये बहुत आसानी से चल गया था। देखिए इसमें कई सारे ब्रांच निकल रहे हैं तो ये कटिंग इसकी लगाना बहुत आसानी है। आप इसकी कटिंग कहीं से भी मिल जाए, चाहे नर्सरी से में भी आपको मिल जाता है तो इसको लगा दीजिए तो ये भी लग जाता है। देखिए इसमें ब्रांच निकल गया है और जो मैंने कटिंग लगाई है उसमें भी ब्रांचिंग बहुत अच्छे से शुरू हो गया है। तो इस तरह ये कटिंग से बहुत आसानी से लग जाता है। तो दोस्तों इस तरह इसकी केयर हम कर सकते हैं, कि ज़्यादा केयर नहीं मांगता है ये ड्रेसिना प्लांट और बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है। देखिए कितने खूबसूरत लगता है। तो ये प्लांट तो मैं हमारे गार्डन में बरकरार है। तीन ये मैंने पिछले साल ही लगाया था तीनों प्लांट, और तीनों प्लांट की कटिंग मैंने लगा दी थी और इसकी भी कटिंग दोस्तों मैंने लगाई थी। लेकिन देखिए यहाँ से एक कटिंग मैंने लगाई थी तो इसकी बारिश ज़्यादा होने लगी तो इसकी कटिंग गल गई, लेकिन ये भी प्लांट बहुत जल्दी लग जाता है। तो दोस्तों कैसा लगा हमारा वीडियो? अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन की घंटी प्रेस कर दीजिएगा दोस्तों, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने कामों में व्यस्त रहें। बाय दोस्तों।